गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी बिल्कुल मजे में होंगे, मैं भी बिल्कुल मजे में हूं। और भाई स्वागत आपका फिर से एक बार एक और नई वीडियो में, लद्दाख सीरीज 2023। तो भाई नाद हो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। टाइम बताऊं तो टाइम हो गया सुबह के 10 बज गए हैं और गाड़ी के अंदर सामान रख चुका हूँ एक बार। लेकिन गाड़ी का हाल देख लो भाई, कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, मतलब पूरी गाड़ी गंदी हो चुकी है भाई। अब लग रही है कि हाँ भाई थार लद्दाख आई है। और एक बार साइड मिरर दिखा देता हूँ और गाड़ी लो पे एक सेकंड को भाई अंदर सामान दिखा देते हैं। बैग पैक कर दिया है भाई, देखो ये फ़र्क होता है यार थार का, क्योंकि आपने सामान डिग्गी में नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और एक पानी की पेटी रखी हुई है, इसलिए मेरे को सीट पे ही सामान रखना पड़ रहा है। ये एक थोड़ी सी इस गाड़ी में कमी है, बाकी जैसे कि मैं गाड़ी में अकेला हूँ तो मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दो जनों का सामान आराम से थार में आ जाएगा। बाकी सुंदर इनोवा जा चुकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इनोवा नहीं है वर्टस है, इनोवा i20 है। इनोवा यज्ञ जा चुका है क्योंकि उसको कुछ काम था, तो वो आज सुबह 5 बजे दिल्ली के लिए निकल गया है। हम जाएंगे पेंगोंग लेक। भाई मैं लद्दाख कम से कम 5 से 6 बार आ चुका हूँ लेकिन आज तक पेंगोंग लेक नहीं देखी है, तो भाई आज सपना पूरा होने जा रहा है, खुशी है बहुत ज़्यादा। बाकी यार सांस चढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप कितना ही वर्कआउट कर लो कुछ भी कर लो आपके सांस यहाँ पे आके चढ़ेंगे। और एक बार दिखा देता हूँ हमारे ग्रुप में एक और शख्स, कैसे भाई? बढ़िया। तो भाई ये देखो हमारे ग्रुप में मोस्ट डिमांडिंग पर्सन आ चुका है मुकुल। क्या हाल भाई, कैसे सुबह सुबह भाई? फ्लाइट फिर बचीता आ गया फ्लाइट से, मोस्ट डिमांडिंग पर्सन है हमारे ग्रुप का, खासकर ट्रिप पे लद्दाख के। यार हम ले आते तेरा दुखी क्यों होता, हम ले आते पैक करा के, अरे हो जाते ताते कर देते। तो भाई डीजल डलवा लिया दोनों गाड़ियों में, थार में आया लगभग 750 रुपये का और फॉर्चुनर में आया 900 रुपये का, और पेट्रोल के बाजू में पेट्रोल था। तो गाइस पेंगोंग के लिए जो हमने रास्ता चूज किया है वो है कारू से, जो मतलब कारू मनाली जाने के लिए रास्ता है, ले मनाली हाईवे पे आता है, कारू से जाना पड़ेगा आपको। तो आज हम वहीं से जा रहे हैं पेंगोंग लेक पे, क्योंकि जो रास्ता जो खारदुंगला से जाता है वहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी हुई थी कल, आप लोगों ने देखा था, अगर कल का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा जब हम खारदुंगला गए थे तो उसमें आपने चेक कर लिया था कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रखी थी, और हम इसीलिए 4x4 ही गाड़ियाँ लेके गए थे, स्कॉर्पियो कह रहा हूँ यार, मतलब मैं स्कॉर्पियो से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, मुँह से बार बार स्कॉर्पियो निकलती है। तो भाई थार और फॉर्चुनर लेके गए थे, 4x2 गाड़ियों को वहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन कारू वाले रास्ते से आप लेके जा सकते हो लोकल्स के थ्रू, हमें पता चला है। बाकी भाई ये रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, मैं इस रास्ते से सेकंड टाइम जा रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैं यहीं से मतलब मनाली गया था ले कारू होते हुए। बाकी ठीक है भाई, देखते कितना टाइम लगेगा। और सुनने में आ रहा है कि ले मनाली हाईवे भी खुल गया है, लेकिन उसमें भी एक थोड़ी सी दिक्कत है, वो है कि 4x4 होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास स्नो चैन भी होनी चाहिए। मतलब मेरे को खैर स्नो चैन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो गाड़ी के टायर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मैक्सिस के ऑफ रोडिंग वाले टायर हैं, इनकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे 4x2 गाड़ी है, जैसे हमारे साथ 2 वर्टस और 1 i20 है, तो उनमें स्नो चैन हमें लगानी पड़ेगी। अगर आप स्नो चैन लगा लेते हो तो भाई आपको ना मतलब इतनी देखो 4x4 तो 4x4 है, लेकिन आपकी गाड़ी कहीं भी रुक नहीं सकती अगर आपको अच्छी ड्राइविंग आती है तो। बाकी भाई 4x4 में भी सेफ्टी डबल हो जाती है, 4x4 भी है, ऊपर से स्नो चैन भी लग गई है, तो सोने पे सुहागा है, फिर आपकी गाड़ी को भाई इतनी दिक्कत नहीं आती अगर आपने पहले या मतलब कभी भी स्नो में ड्राइव कर रखी है तो। बाकी भाई यार नुकसान पे नुकसान चल रहे हैं, पूरा शीशा क्रैक हो गया है, और आज सुबह चेक किया भाई ये तो टूटा, साथ में यहाँ से एक छोटा सा ये भी टूट गया। क्या यार मतलब जाते ही वही बात है, कंपनी में जाके विंडशील्ड चेंज करानी पड़ेगी। और अब लास्ट 2 किलोमीटर से भाई इतना गंदा रोड चल रहा है, दिखाता हूँ बाहर से, भाई बहुत ज्यादा गंदा रोड आ गया, मतलब बिल्कुल दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है, सेकंड गियर में। तो भाई यहाँ पे एक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं प्रथम भाई, यहाँ पे मारुति, वो कौन सी है ये मारुति 800। हाँ भाई साखी, अरे पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, अरे वो लगा दो, अरे ये लगा दो, ईट लगा दो ना एक।
सीट पत्थर रहे पर पत्थर इससे डर ले भाई। हां अच्छी लगा क्या तू बस 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 तो भाई यहाँ पे लगा हुआ है जाम, ये देख सकते हो बढ़िया वाला केड़ा जाम लग रखा है यार। लक्ष्य भाई तो ले रहे हो भाई यार 4x4 के तो मजे है। पर भाई ये भी सही परफॉर्म कर रही है, बस परफॉर्म करेगी। टीएसजी सेकंड गियर ले ले, जाम लग रहा है। रख चलो मुकुल बढ़िया भाई, सुना देखो मैं भाई फिटिंग का काम है और यहां बढ़िया यार जाम लगवा दिया यार तूने, खुलवा दे जाम भाई लग जाएगा यार। चक्का जाम करवाता तू, बाहर नहीं बैठा है नहीं बार बार भाई वीडियो के लिए आ रहे हैं बस। भाई भाई बता रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है गाड़ी में, किसकी में अलाइनमेंट थोड़ी इशू है, थोड़ा सा वो रोड पैच खराब था ना, तो भाई इस गाड़ी के क्या है मैं बता देता हूँ, टायर बड़े हैं ना तो अलाइनमेंट जल्दी आउट हो जाती है। अपनी गाड़ी से जेन्युइनली भाई कैसी परफॉर्म कर रही है भाई, बढ़िया कहीं स्किट मार रही है क्योंकि थार में अकेला बोर हो रहा था। और अलावत भाई, भाई एक न्यूज आई है, आप बताओ यार आपके मुंह से अच्छी लगेगी। क्या ही बताऊं भाई, गंदी खबर है थोड़ी, बतानी नहीं चाहिए बस ठीक है। नहीं हम वो नहीं खबर नहीं बता रहे, लेकिन भाई हमारा ये है कि ना तो हमारी गाड़ी में किसी भी गाड़ी में सिर्फ एक एक बोतल है पानी की, ना खाने पीने का है। वो बात भी चलो ठीक है, वो तो चलो आगे से चांगला से मिल जाता, पर जब एक तो 4 घंटे का ट्रैफिक है और ऊपर से जो आगे की कंडीशन है वो बहुत खराब है, और जो सुनने में आया है उसके बाद मेरा तो हाथ उठ ली है, मैं मेरी बस की नहीं आगे जाने। तो गाइस यहाँ पे 4 बज चुके हैं हमारे और लगभग 1.5-2 घंटे से हम जाम में खड़े हैं। मंजित भैया क्या चला है ये बताओ, जो आपको हो गया देखो बड़े आप हमारे साथ मोड़ने में वो है क्योंकि 4-5 घंटे अभी ये कह रहे हैं यही खड़े रहेंगे उसके बाद और 4-5 घंटे और कह रहे हैं। फौजी भाई से बात हुई है, रात को 2 बजे पहुंचोगे पेंगोंग। अब हमारे तो दिक्कत नहीं है, ना थार को दिक्कत है ना फॉर्चुनर को दिक्कत है, लेकिन ये 2 वर्ल्टस है ना, रात को ड्राइविंग उतनी मुश्किल हो जाएगी और ये स्लिप करेगी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है हमारे पास खाने का कुछ नहीं है और यहाँ आसपास ना कोई होटल है ना कोई दुकान है और 4 घंटे तो यहीं लगेंगे, तो भाई वापसी करने में ही फायदा है। चलो ठीक है, तो भाई यही करते हैं, मतलब इसमें हमारी समझदारी है, कभी आप लोग सोचो कि क्यों वापस डर गए, ये भाई ऐसा कुछ है, ये समझदारी है। तो बिल्कुल हमें बटर साथ लेके चलनी पड़ेगी, साथ आए थे तो साथ ही लेके जाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल भाई मोड़ो गुरु भाई, चैनी की जगह एक रस्सी दिया, बैग ले बस। अरे साकी तू आके दट ले रिपट के पाप चढ़ जाएगी दोस्त के आज गिरे वीडियो पे और ले बस मैं नहीं काटू भाई, मैं भी ना काटू फिर तो मैं भी ना काटू, सिचुएशन ऐसी है। हां बिल्कुल दिखना चाहिए ना। और वो भाई देख के भाई रुक, तो मुकुल भाई चला रहे हैं डाउनटाउन डिटेलिंग स्टूडियो वाली गाड़ी 4-5 भाई। यहाँ से अब गिरी मोड़ने लग रही है, बॉक्सर आई लगाएंगे 4x4 और मोड़ देंगे, वो 2 गाड़ी चली गई हैं, अब आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे का सीन आगे देखते हैं जो भी बनता है। कुछ तो नहीं पड़ रहा भाई, ऐसे मुड़ रही है मक्खन की तरह, ये तो 4x4 का यही और सर टायर मैक्सिस तो स्वाद ही बात है। ठंड बहुत हो रही है, हाथ सूने पड़ रहे हैं, बिल्कुल कांप रहे हैं हाथ। पंडित जी सामने साड़ी आओ, बैठूं ठंड लग रही है।
तो भाई चलो भाई नीचे उतर लिए। हां जी भाई क्या प्लान है ये बताओ भाई। भाई प्लान ना समझ आ रहा सही बताऊं भाई आपकी बात तो रोड़े लग रखे सही में किसकी आए मार रखे हो 17 नंबर यज्ञ अरे नहीं भाई जिसका होटल है ना वो तो कह रहा रास्ते खुले नहीं है मनाली वाले। अरे भैया साहब पे शक कर रहा है। अरे भैया पे शक नहीं कर रहा यार समझे करो मनाली वाले। भाई मैं क्या बोलूं यार अब भाई रिस्क लेके जाने कोई फायदा थोड़ी है ये बताओ ना। बड़ी लाठी सी हो रही है बड़ी लाठी हो रही है बिना मतलब में कारगिल से कम से कम खुल तो रहे हैं पहुंच तो जाएंगे चले आता तो भी दो दिन का भाई ना आज खुले ना कल खुले पता चले सरचू तो उल्टाना पड़ रहा है जित भी जाओ उड़े तो उल्टाना पड़ रहा है भाई जहाँ भी जा रहे हैं ना वहीं से उल्टाना पड़ रहा है कभी पता चलेगी सरचू गए हैं और सरचू से भी वापस आना पड़ रहा है। तो भाई सिर्फ फॉर्च्यूनर और वर्टस लेके आए हैं यहाँ पे चेक पोस्ट है पूछने के लिए कि क्या मनाली का रास्ता खुला है क्या हमें परमिशन मिल सकती है कि वाया मनाली हम घर जा सकते हैं पूछ लेते हैं नहीं तो भाई लास्ट ऑप्शन क्या है पंडित जी श्रीनगर देखते हैं यार मनाली सही रहेगा। चलो भाई मैं ये पूछ रहा हूँ रुके कि कैसे ये इसमें ब्रेक तो है क्लिप देख तो मैं क्लिप दूंगा जब देखना तुम भाई। चलो भाई पता करके आते हैं। तो भाई प्लान में थोड़ा सा चेंज है ये देखो फॉर्च्यूनर खड़ी है और कहाँ पे खड़े हम नदी तो भाई रोड है उधर वो देख सकते हो वर्टस खड़ी है वहाँ पे वो दिख रही होगी उधर वहाँ पे कि भाई वर्टस तो नीचे आ नहीं सकते क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं। फॉर्च्यूनर का मज़ा भाई यही है 4x4 लगा के आप कुछ भी एक्सट्रीम कर सकते हो एक हद तक ये नहीं कि भाई कुछ भी। तो ये जगह हमारे प्रथम भाई को पता थी क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे इधर भाई हमने पता स्कॉर्पियो कहाँ तक घुसाई थी ये पत्थर है ना। हाँ ये पत्थर नहीं थे उस टाइम बकुले याद है पत्थर ना थे उस टाइम इतने हम आगे था ही ले गए थे स्कॉर्पियो ने और यहाँ हमने खाना खाया था इसी बड़े पत्थर पे इसी पे हाँ इसी बड़े पत्थर पे जाड़ा था गर्मी थी गर्मी में आए थे पर मई का ही टाइम था यही टाइम। तो भाई पेंगोंग तो जा नहीं पाए सोचा नदी पे ही आ जाते हैं पानी तो दिखाएं भाई कल का सिस्टम है करते हैं एसएससी कंडक्ट कर रहे हैं भाई मजा देंगे भाई भाई कंटेंट ऐसा देना कल का व्लॉग और इंटरेस्टिंग आने वाला है तो भाई स्टे ट्यून्ड। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये देखो बदतमीजी चल रही है भाईचारा है भाई कंटेंट मिलेगा बढ़िया एक नंबर का बढ़िया वाला क्वालिटी कंटेंट। हाँ कोई नहीं देगा 17-15 कोई नहीं देगा हम देंगे उस कंटेंट को जो हम कल देंगे। तो गाइस ये देखो फिर से उसी होटल में सेम जहाँ से ट्रिप स्टार्ट हुई थी लद्दाख की वहीं आ चुके हैं। क्या ब्रो अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो बहुत एक्सट्रीम होने वाला है और अभी होने वाला है अभी होएगा अभी भाई अभी का मतलब अभी नहीं समझोगे भाई जनता नहीं समझी एक्सप्लेन उसके लिए तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। तो भाई यही था कुछ आज का छोटा सा व्लॉग भाई पेंगोंग नहीं जा पाए उसका दुख है मेरे को क्योंकि मैं 6 बार दुख है पर भाई देखो हमने तो अपनी पूरी कोशिश करी है भाई बिल्कुल भाई आपको यूं का यूं दिखाया है। हाँ। पर उस अब वो नहीं हो पाया तो उससे कुछ अलग उससे भी एक्सट्रीम करेंगे मतलब वर्टस का थार का फॉर्च्यूनर का i20 का एक खूब खूबसूरत टेस्ट होने वाला है भाई। उसके लिए आपको क्या करना है नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना है। हाँ नेक्स्ट पार्ट का वेट करना है जो कि एक दिन बाद डलेगा क्योंकि हम एक दिन का गैप डाल रहे हैं भाई नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क की दिक्कत रहती है इसीलिए फर्स्ट टाइम तो होगा ही बिल्कुल होगा भाई बिल्कुल होगा। तो बाकी भाई करता हूँ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड मिलता हूँ कल फिर से कुछ नया लेके कुछ बढ़िया लेके कुछ एक्साइटमेंट वाला कुछ ब्लॉग बढ़िया धासू जिसको कहते हैं ना वो लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।